हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वाति। फ्रेंड्स, आज मैं आपको हेयर हैक्स बताऊंगी, क्योंकि आजकल जो हमारे बाल झड़ने की समस्या है बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। क्योंकि एक तो ये वाला जो मौसम चल रहा है, इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, हमारे बालों में पसीना बहुत आता है, बाल झड़ने बहुत ज़्यादा शुरू हो चुके हैं। तो उसको हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम को क्योर कैसे कर सकते हैं, तो आज मैं इसी टॉपिक पर आपके साथ बहुत सारी ऐसी बातें शेयर करूँगी जो शायद आपको ना पता हो या आपने कभी इस चीज़ पर ध्यान ना दिया हो। अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल ज़रूर रहेगा, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगी जिससे ध्यान में रखकर आप अपने बालों को ग्रोथ दे सकते हैं, शाइन दे सकते हैं, और जो आपका टूटना है वो भी बहुत कम कर सकते हैं। तो वो क्या है, ये एक प्रॉब्लम है, इसका एक ये भी कारण है कि गर्म पानी से आप बालों को कभी भी ना धोएं। उसके बाद फ्रेंड्स, जब भी हम अपने बालों को शैम्पू करते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, कभी कंडीशनर नहीं लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, कंडीशनर को तो कभी भी स्किप ना करें, हमेशा बाल धोने के बाद अपना कंडीशनर लगाएं। अगर आप मार्केट से नहीं परचेज़ कर सकते हैं तो आप घर का ही कंडीशनर बनाकर लगा सकते हैं। एक तो आपका मेहंदी जो है हिना, वही बहुत ही अच्छा कंडीशनर है। अगर आप मेहंदी भी लगाना नहीं चाहते हैं तो आप जो चाय की पत्ती का पानी होता है उससे रिंस कर लें सबसे लास्ट में, तो वो आपका कंडीशनर का काम करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, हम नहाकर आते हैं तो हमारा जो बाल होते हैं, हम इतने मोटे मोटे जो टॉवल होते हैं उससे लपेट लेते हैं, जिससे कि जो सारा टॉवल का वज़न होता है वो हमारे बालों पर होता है और हमारे जो बाल होते हैं बहुत ज़्यादा खिंच जाते हैं और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने बालों को धोएं तो अपने बालों में जो हल्का तौलिया हो उसे यूज़ करें, या कोई भी आप कॉटन का कपड़ा, दुपट्टा, टी शर्ट वगैरह कुछ भी लेकर उसमें अपने बालों को रैप कर सकती हैं। तीसरी बात, आपको जैसे आदत होती है लेडीज़ की, लंबे बाल होते हैं उसको झाड़ती हैं इस तरह से, तो वो कभी भी ना करें, क्योंकि झाड़ने से आपके जो बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा टूटते हैं, तो इसलिए उसको इस तरह से झटका तो कभी भी ना दें। उसके बाद फ्रेंड्स, क्या करते हैं, जो बाल धो लिए हमारा काम ख़त्म, बट आपको क्या करना है, आपको हेयर सीरम लगाना है गीले बालों में। आप कोई भी हेयर सीरम अप्लाई कर सकते हैं अपने बालों को धोने के बाद, क्योंकि फ्रेंड्स सीरम लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी हम बाल धोकर आते हैं तो हमारे बाल थोड़े से उलझे हुए होते हैं, टैंगल्स होते हैं हमारे बालों में, और जब हम सीरम लगा लेते हैं तो हमारे बाल बहुत ही मैनेजेबल हो जाते हैं, बहुत स्मूथ हो जाते हैं, बहुत ही शाइनी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक तो ये आपको शाइनिंग देते हैं, दूसरा ये आपकी ग्रोथ पर भी वर्क करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, जब भी हम अपने बालों को धोते हैं तो उससे पहले हमें अपने बालों में ऑयलिंग ज़रूर करना चाहिए, हमें मसाज ज़रूर करनी चाहिए। वो आप कोई भी ऑयल से कर सकती हैं, जो भी आपके बालों के लिए सुटेबल हो आप उस ऑयल से अपने बालों की मसाज कर सकती हैं, उसके बाद शैम्पू कर सकती हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो आप ओवरनाइट कर सकती हैं, बालों में मसाज करके आप ओवरनाइट छोड़ दें और नेक्स्ट डे अपने बालों को वॉश कर लें, बट अगर आपके बाल ऑयली हैं, आपके बालों में ऑयल आने लगता है, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, फ्रेंड्स रात को आप तेल लगाएंगी और आपके बाल वैसे ही ऑयली हैं, दोनों मिक्स हो जाएंगे और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। कुछ लेडीज़ की आदत होती है कि वो हफ्ते में एक बार ही धोती हैं, कि भाई इतने लंबे बाल हैं हम तो एक बार ही धोएंगे, लेकिन ऐसा कभी भी ना सोचें, अपने बालों को 2 से 3 बार हफ्ते में ज़रूर धोएं। अगर अपने बालों को आप कलर करती हैं तो उससे भी बचाएं, क्योंकि कलर से हमारे जो बाल होते हैं बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, उनका जो टेक्सचर होता है वो ख़राब हो जाता है। तो अगर कभी भी कलर करवाएं तो किसी अच्छे पार्लर में ही करवाएं, ऐसे वैसे पार्लर में ना करवाएं, क्योंकि इससे आपके बालों को हार्म हो सकता है। नेक्स्ट, आप कहीं शादियों में जाते हैं या कहीं भी आपको जाना होता है तो आप सोचते हैं कि हम अपने बालों को कर्ल कर लें, स्ट्रेट कर लें, तो आप अपने जो कर्लर और स्ट्रेटनर होते हैं उन्हें यूज़ करते हैं, बालों में लगाते हैं, उनसे भी हमारे जो बालों का टेक्चर है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, बाल हमारे बिल्कुल रफ हो जाते हैं। तो मैंने कर्ल करने के लिए तो आपको मैंने वीडियो बनाई है, शेयर की है आपके साथ, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है हीटलेस कर्लर वाली तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक ऊपर दिया हुआ है। दूसरी बात, अगर आप जब भी कर्लर करें या स्ट्रेटनर करें अपने बालों को तो अपने बालों में एक सीरम ज़रूर लगाएं। अगर आपके पास कोई भी सीरम नहीं है तो आप एलोवेरा जेल को एज ए सीरम लगा सकती हैं, जिससे कि आपके बाल जलते नहीं हैं, क्योंकि उन हीट कर्लर से बालों को जलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको 2 ऐसे हैक्स बताने वाली हूँ हेयर से रिलेटेड, कि आप सुनकर बहुत ही अच्छा फील करेंगे, क्योंकि जिनके बाल ऑयली होते हैं उनके लिए तो ये रामबाण है। तो सबसे पहला तो ये है कि जब भी कुछ की प्रॉब्लम होती है कि उनके बाल जो हैं बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, वो सिर धोकर आती हैं और उसके एक दिन बाद ही उनके बालों से तेल निकलना शुरू हो जाता है, और अगर उन्हें कहीं जाना होता है तो अब वो बालों को धो भी नहीं सकती हैं, तो उसके लिए आपको मैं एक हैक बताती हूँ कि आपको लेना है एक टिश्यू पेपर इस तरह का, और फ्रेंड्स जब भी आपको कहीं जाना है तो आपको क्या करना है, आपको अपने बालों से जहाँ से भी आपका तेल निकलता है इस तरह से अपने बालों को रब कर लेना है, इस तरह से,
तो जो भी एक्सेस ऑयल होगा वो आपके बालों में आ जाएगा। 2 से 3 मिनट तक इस तरह से बालों से करने से आपके जो बाल हैं उनके बालों, तो फ्रेंड्स ऐसा करने से आपके बालों का जो एक्सेस ऑयल होगा वो निकल जाएगा और आप कहीं भी जाने के लिए रेडी होंगे। तो फ्रेंड्स हैक अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। दूसरा हैक फ्रेंड, दूसरे हैक में आप क्या कर सकते हैं, जो ड्राई शैम्पू आते हैं उन्हें अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं, तो वो जो होते हैं वो आपका सारा जो एक्सेस ऑयल होता है वो सोख लेते हैं और आपके बाल बिल्कुल शाइनी हो जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ड्राई शैम्पू ये कौन सा होता है। जी हाँ दोस्तों, ड्राई शैम्पू आता है मार्केट में, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो श्योर खरीदिए, और नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो मैं हूँ ना आपके लिए, मैं बताऊंगी आपको कि आप उसके बदले में क्या कर सकते हैं, अगर आप उसको रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। आपको लेना है ये बेबी पाउडर और उसको अपने बालों में ऐसे कर लेना है, हल्का हल्का सा इस तरह से। फ्रेंड्स ऐसा मत सोचिएगा भूत बन गए ऐसे क्योंकि ऐसा करने से आपके बाल अभी तो वाइट वाइट लगेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बालों से मेरा ऑयल चला गया है बिल्कुल, और मेरे बाल बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप कोई भी इसमें स्टाइल बना सकते हैं। फ्रेंड्स ये जो चीज़ें होती हैं ये टेम्प्रेरली होती हैं, आप हर समय इसको नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको मैंने हैक बताया है, जब भी आपको अर्जेंट किसी चीज़ की ज़रूरत होती है हैक्स वो काम करते हैं। अगर आपको इंस्टेंट कहीं जाना है, जल्दी से तैयार होना है और आपके बालों में आपने हेयर वॉश नहीं किया हुआ है या ऑयल आ गया है, तो आप इस तरह के हैक को यूज़ कर सकते हैं और पाएंगे आप बिल्कुल मैनेजेबल बाल। आप देख सकते हैं इस तरह से। आपको ये भी नहीं है कि आपको बहुत सारा जो पाउडर है वो अपने बालों में छिड़क लेना है एक साथ, थोड़े थोड़े मात्रा में लेकर उसको हल्का हल्का सा ऐसा करना है जिससे कि जो आपका जो एक्सेस ऑयल होगा वो निकल जाएगा।